वाह क्या आईपीओ है, वाह क्या आईपीओ है। खास पे इसके सवारी जिसमें हम बात करते हैं प्राइमरी मार्केट को लेकर के, कोई आईपीओ में आपको निवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैनेजमेंट क्या कर रही है, ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना मिल रहा है, इन तमाम पहलुओं को लेकर के एकमात्र ऐसा मंच जिसमें कि आपको सभी प्रश्नों के अंदर उत्तर जो है वो मिल जाते हैं। हर रोज़ की तरह मेरे साथ मेरे सहयोगी शौर्य जो है जुड़ चुके हैं। शौर्य, सबसे पहले तो आपसे ही जानना चाहेंगे, लंबे अरसे का इंतज़ार जो है के बाद जो है हम देख रहे हैं थोड़ी सी हरियाली लौटी है, निवेशक फिर से जो है प्राइमरी मार्केट में थोड़े से इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। कल हमने देखा काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ दिखाई दिया पहले दिन, आज की स्थिति क्या देखने को मिल रही है जी? दूसरे दिन भी SRM कॉन्ट्रैक्टर्स में अच्छा रिस्पांस देखने को नज़र आ रहा है। लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 10 गुना ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है, इसमें रिटेल का सब्सक्रिप्शन 9.53, QIB 1.62, लेकिन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का सब्सक्रिप्शन लगभग 25 गुना के आसपास ऑलरेडी सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ रहा है। ग्रे मार्केट में नजर डालें तो 210 के अपर प्राइस बैंड पर कंपनी को 100 रुपीज का GMP मिल रहा है, यानी 47 से 48% की लिस्टिंग। यानी कल 80 था आज 100 हो गया, तो मतलब हर दिन के लिहाज से ग्रे मार्केट में प्रीमियम बढ़ रहा है, जबकि पहले के IPO जो हम देख रहे थे कि जैसे जैसे क्लोजिंग का टाइम आता था तो हम देखते थे कि ग्रे मार्केट प्रीमियम में गिरावट देखने को मिल रही थी। स्टॉक बॉक्स कह रहा है लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करें, SMIFS की तरफ से सब्सक्राइब करने की सलाह है, प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ की तरफ से सब्सक्राइब करने की सलाह है लिस्टिंग गेन के लिए, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो निकल करके आ रही हैं। सॉरी जरा बहुत संक्षेप में एक दो लाइन में जरा बताइए कंपनी क्या करती है, फिर अरुण सर के पास चलते हैं। जी कंपनी के नीच एरिया में लद्दाख जम्मू कश्मीर में रोड्स बनाने की, ब्रिजेस बनाने की और एरिया को फ्लैट करने में एक्सपर्टीज है। तो ये फिलहाल जो है कंपनी कामकाज करती हुई दिखाई दे रही है। अरुण सर, आप कैसे देख रहे हैं, काफ़ी दिनों बाद IPO बाजार के अंदर थोड़ी सी रौनक देखने को मिली है, लोग जो है मेन बोर्ड IPO में जो है उत्साह होती होकर के रिटेल पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है, करीब 10 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है, आप फंडामेंटल्स कैसे देख रहे हैं और वैल्यूएशन को? जी फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग है और अच्छे स्ट्रॉन्ग सेक्टर में भी ये नजर आ रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है नेक्स्ट 4 साल अगेन कैपेक्स सीमेंट ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में है उसी में मार्केट का ज्यादा फोकस रहेगा, तो ये रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में EPC सेगमेंट में है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छा पैसा बन सकता है। प्योरली लिस्टिंग गेंस के लिए बाय करें, लिस्टिंग गेंस मुझे लग रहा है अच्छे स्टॉक में बन सकते हैं। एक ही चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि स्टॉक कंपनी अच्छी है, ओवरऑल वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, पर अगर मार्केट का मूड बदलता है तो हो सकता है उसका भी रुझान आपको स्टॉक में देखने को मिल सकता है, इसलिए प्योर लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करके चल सकते हैं। मुझे लग रहा है अच्छे लिस्टिंग गेंस इसमें बनने चाहिए, ओवरऑल फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, अच्छे डिविजन में है और आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है ओवरऑल ये जो सेगमेंट है ATC इवन रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इनमें काफी अच्छा बिजनेस देखने को मिलेगा और कैपेक्स एक्टिविटी भी मुझे लग रहा है गवर्नमेंट की बढ़ती हुई नजर आएगी, तो अच्छे सेगमेंट में होने की वजह से सब्सक्राइब की राय है, प्योरली लिस्टिंग इसके लिए सब्सक्राइब करके कर सकते। चलिए, प्योरली लिस्टिंग गेन के लिए सब्सक्राइब करने की सलाह दी जा रही है यहाँ पर, और तमाम ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ भी हमने आपको दिखाए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। सॉरी बताइए SME क्षेत्र के अंदर क्या हालचाल देखने को मिल रही है? जी SME क्षेत्र में वैसे तो काफ़ी सारे IPO खुले हुए हैं, लेकिन उन्हें कवर करते हैं जिनमें ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा नजर आ रहा है। पहली कंपनी है TAC इन्फोसेक, आज खुला है, टोटल सब्सक्रिप्शन हो चुका है 5.37 टाइम्स और 106 रुपीज़ के प्राइस पर 86 रुपीज़ का GMP मिल रहा है, जो से 81 रुपीज़ के प्रीमियम पर लिस्ट होता हुआ नजर दिखा रहे हैं। दूसरा है रेडियो वाला भी 3 गुना सब्सक्राइब हो चुका है लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से और 76 रुपीज़ के प्राइस पर 43 रुपीज़ का GMP मिल रहा है, यानी 56% का प्रीमियम। फिर तीसरी कंपनी है ट्रस्ट फिनटेक 7.15 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है और ग्रे मार्केट में कंपनी को 101 रुपीज़ के प्राइस पर 45 रुपीज़ का GMP मिल रहा है, यानी 44 से 45% की प्रीमियम पर लिस्टिंग। ठीक, अरुण जी, इनमें से किसी पर आपकी नज़र पड़ी, कोई आपने ट्रैक किया, किसी पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आप SME क्षेत्र के IPO में? मुझे टैक इंफोसेक लिमिटेड इस पर जरूर हमारी ट्रैकिंग है, क्योंकि ये टैक्स मॉडल में है और ये मॉडल काफी अच्छे बिजनेस में आप कह सकते हैं इसका रुझान अच्छा नजर आ रहा है, अगर किसी में अप्लाई करना है तो टैक इंफोसेक में करके चल सकते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत आप क्लाइंट्स की तरफ से मांग आते रहते हैं कि SME के IPO में क्या करना है, किसी में लगा सकते हैं, तो अगर कोई इसकी ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स है जो कि आप प्योरली लिस्टिंग गेंस के लिए बेट करना चाहते हैं तो टैक इंफोसेक पे करके चल सकते हैं, मुझे लग रहा है इसमें एक अच्छा रुझान देखने को मिल सकता है और अच्छा लिस्टिंग गेंस भी देखने को मिल सकते हैं, अगर प्योरली लिस्टिंग गेंस के लिए ही लगाना है, कोई इन्वेस्टमेंट की राय स्टॉक में भी नहीं है, अच्छे लिस्टिंग गेंस के लिए टैक इंफोसेक लिमिटेड इसमें अप्लाई करके चल सकते हैं। ठीक सर, बहुत सारी डेवलपमेंट्स इधर हो रही हैं और ऐसा लग रहा है कि प्राइमरी मार्केट में रिवाइवल
फिर से होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अगले हफ्ते एक बड़ा आईपीओ आ रहा है भारती हेक्सा का। इसके अलावा हेक्साबेयर के आईपीओ को लेकर के कहा जा रहा है कि जो कंपनी जो डीलिस्ट हुई थी उसे अब दोबारा लिस्ट कराने के लिए सोचा जा रहा है। आप प्राइमरी मार्केट का भविष्य, चूँकि अब तो अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही जो कुछ होना होगा होगा, अगले फाइनेंशियल ईयर से आपकी उम्मीदें क्या है प्राइमरी मार्केट को लेकर के? देखिए विपुल जी, प्राइमरी जो फ्रंट लाइन जो फ्रंट बोर्ड आईपीओ जो आप कह सकते हैं जो कि फ्रंट मेन लाइन आईपीओ आते हैं, उनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर एसएमई सेगमेंट्स में काफी अच्छे काफी रूल्स आपको आते हुए नजर आएंगे, जो कि मेरी भी एक्सपेक्टेशन है कि वहां पे थोड़े बहुत रूल्स चेंज होंगे, या फिर जो एसएमई आईपीओ में कंपनी लिस्टिंग हो रही है या लिस्टिंग के बाद उन कंपनी में ट्रेडिंग कैसी होगी, वहां पे भी थोड़े रेगुलेशन आपको आते हुए नजर आ सकते हैं। विपुल जी, पहले भी काफी बार इसमें बात हुई कि जो भी एसएमई आईपीओ आ रहे हैं उनमें सब्सक्रिप्शन के जो आंकड़े हैं वो काफी हैवी नजर आ रहे हैं, इसी वजह से वहां पे थोड़े बहुत रेगुलेशन चेंज हो सकते हैं, इसलिए वो एक दिक्कत एसएमई सेगमेंट में हो सकती है। फ्रंट लाइन मेन बोर्ड आईपीओ में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे कंपनीज के आईपीओ आते रहेंगे, वहां पे अच्छे आपको रुझान भी देखने को मिलेंगे और अच्छा पैटा भी देखने को मिलेगा। तो फ्रंटलाइन आईपीओ में कोई दिक्कत नहीं है, पर एसएमई आईपीओ में थोड़ा ध्यान रखें, रेगुलेशन चेंज हो सकते हैं, अगर रेगुलेशन चेंज होंगे तो स्टॉक प्राइस में भी स्टॉक इफेक्ट जरूर देखने को मिलेगा। तो आने वाले फाइनेंशियल ईयर में मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एसएमई आईपीओ में आपको काफी अच्छे चेंजेस या काफी स्ट्रिंजेंट चेंजेस सेबी या रेगुलेटर की तरफ से देखने को मिल सकते हैं। ठीक, सॉरी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम आंकड़े तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों तक बताने के लिए। और जहां पर लगातार हमारी नज़रें बनी हुई हैं प्राइमरी मार्केट को लेकर के, अगला हफ्ता और भी ज़्यादा एक्शन वाला होने वाला है, तो उम्मीद करते हैं कि प्राइमरी मार्केट फिर से गुलजार हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिलहाल के लिए वाह क्या आईपीओ है में इतना ही। वाह क्या आईपीओ है।